Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी A23 5G स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 3 बटन नेविगेशन, अगर आप इनको हटा के लगाना चाहते हो इस फोन के अंदर जैसे नेविगेशन, तो चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं आप कैसे इनको हटा के जैसे नेविगेशन को सेट कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो फोन की सेटिंग रहेगी वो आपको ओपन करनी है। इसके बाद आपको यहां से स्क्रॉल डाउन करने पर नजर आएगा डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां से आपको करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने पर देखने को मिलेगा नेविगेशन बार, आपको इस पर क्लिक करना है। इस फोन के अंदर आप दो तरह से जेस्चर को सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखने मिलेगा स्वाइप जेस्चर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप दोनों साइड से इस तरह से और इस साइड से क्लिक करने पे बैक कर सकते हो, होम बटन आपका यहाँ आ जाता है। और इसके अलावा स्वाइप अप करके भी आप यहाँ से बैक कर सकते हो। तो चलिए आपको यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलती है, इसको कैसे हटाने पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ इस तरह से इस फीचर को डिसेबल कीजिए, आपकी लाइन गायब हो जाएगी। अगर आप स्वाइप अप करके इस फोन के अंदर जो जैसे उसका लगाना चाहते हो तो इसके लिए आप मोर ऑप्शन पर पहले क्लिक कीजिए, स्वाइप फ्रॉम बटन देखने को मिलेगा इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब इस साइड से क्लिक करेंगे आपका यहाँ से बैक हो जाएगा, होम बटन यहाँ आ जाता है और रिसेंट एप्स निकालने के लिए आप इस तरह से क्लिक करके उसका यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस फोन के अंदर अपने जैसे नेविगेशन को लगा सकते हो और बैक बटन को हाइड कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।